ये हमारे पास फ्रंट व्यू है इसका, इधर से फ्रंट व्यू देखेंगे हम इसका, ठीक है। ये टॉप रहेगा ऊपर से और ये इसका साइड व्यू रहेगा इधर से, ठीक है। तो हमें इसको थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल दोनों में बनाना है, तो ये इस प्रकार से आपको देखना है। तो जब आप इसको सामने से देखोगे, तो फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 6 में। इस एपिसोड में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसका नाम है प्रोजेक्शन प्रक्षेप। फ्रेंड्स, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रेलवे एलपी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से लगभग 50% जो क्वेश्चन रहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के वो पूछे जाएंगे। तो हम इसमें सीखेंगे प्रोजेक्शन क्या है, क्या होता है और किस तरह के सवाल प्रोजेक्शन से यानी प्रक्षेप से आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप क्या होता है। फ्रेंड्स, जब हम किसी बॉडी को फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक मार्कर है, हम इसको जब देखते हैं तो इसकी जो प्रतिछाया मिलती है हमें प्लेन पर या किसी भी शीट पर, उसको हम प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। यानी प्रक्षेप को सिंपली प्रतिछाया भी कहा जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसको जब हम सामने से देखेंगे तो जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें यहाँ से होकर के जाती हुई हमारे पास इस प्रकार से पॉइंट मिलेंगे जब वो इस प्लेन पर टकराएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमें इसकी प्रतिछाया यानी इसका हमें प्रक्षेप मिल जाएगा। तो प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रतिछाया होती है जो किसी प्लेन पेपर या बोर्ड या ड्राइंग शीट पर बनाई जाती है, इसको हम प्रक्षेप कहते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप के प्रकार। प्रोजेक्शन को स्टार्टिंग में दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन एंड सेकेंड इज ऑर्थोग्राफिकल यानी लंब कोणीय प्रक्षेप। फिर ये जो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, फिर ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। इसमें से मैं आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है, किससे आता है क्वेश्चन और क्या हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन फिर से तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसको कहते हैं अक्ष परिमाण प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप और संदर्श प्रक्षेप। ये जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है फिर से तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, समपरिमाण, द्विव समपरिमाण एंड त्रिसमपरिमाण। ऑब्लिक प्रोजेक्शन भी इसी प्रकार तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, कैवलियर, कैबिनेट एंड क्लिनोग्राफिक। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये भी पैरेलल, एंगुलर और ऑब्लिक, तीन हिस्सों में ये भी डिवाइड हो जाता है। सो जो हमारे सिलेबस में है यानी जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या है, फ्रेंड्स, एक तो ये है ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन, इस लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफिकल यानी लंब कोणीय प्रक्षेप। और ये जो दूसरा यहाँ पर है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही हमारे सिलेबस में है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन क्यों बताया गया, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोजेक्शन के टाइप्स की, कितने टाइप का होता है प्रोजेक्शन, इसीलिए यहाँ पर बस ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए बताया है। बाकी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन यानी लंब कोणीय प्रक्षेप। फ्रेंड्स, ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले हमें व्यू के बारे में समझना होगा, व्यू यानी दृश्य क्या होता है। तो पढ़ते हैं व्यू के बारे में। तो व्यू के बारे में पढ़ने के लिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्यू का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। अब हम जिस साइड से उसको देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने खड़े होकर के देख रहे हैं, जैसे अगर इसको हम सामने से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू, जिसको टेक्निकली कहा जाता है एलिवेशन, ठीक है। और अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसको कहा जाता है टॉप व्यू, जिसको टेक्निकली कहा जाता है प्लान। और ये क्योंकि हम इधर से फ्रंट व्यू देख रहे हैं और ये हमारे साइड में है, ये वाला पोर्शन साइड में है, ये है राइट साइड में, तो इसलिए ये हो जाएगा राइट साइड व्यू और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड व्यू। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ ये ही व्यू हमें बनाने की आवश्यकता होती है,
जो टॉप व्यू, जो बॉटम व्यू और जो बैक व्यू है उनकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये तीन व्यू बनाने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये तीन व्यू ही बनाते हैं, फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन, टॉप व्यू यानी प्लान, राइट साइड व्यू एंड लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, तीन व्यू का मतलब है साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड प्लान। ठीक है, साइड व्यू दो हैं, ये अलग चीज है। ठीक है, तो ये है व्यू। फ्रेंड, जब हम प्रक्षेप करते हैं तो प्रक्षेप में तीन चीज़ें मस्ट होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हमें प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। सेकंड है किस प्लेन पर या किस पेपर पर हमें उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो सेकंड होता है ड्राइंग शीट या ड्राइंग पेपर। और थर्ड है जो उस ऑब्जेक्ट को देखता है, यानी जिधर से प्रकाश आ रहा है, ऑब्जर्वर। तो तीन चीज़ें मस्ट होती हैं, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड, जो ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन है, ये एक 2D प्रोजेक्शन है, यानी टू डायमेंशनल द्विविमीय प्रक्षेप है किसी ऑब्जेक्ट का। अपने ड्राइंग शीट पर दो डायमेंशनल वाला प्रोजेक्शन बनाना ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन कहलाता है। अब ये किस प्रकार होता है, ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन किस प्रकार होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास ड्राइंग शीट है हमारी, जिस पर हमें प्रोजेक्शन बनाना है। और यहाँ पर है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका प्रोजेक्शन हमें बनाना है। तो हम इसको इधर से देखते हैं, तो जो यहाँ से यहाँ पर जो इसकी सरफेस पर प्रकाश की किरणें टकराएंगी, तो वो कॉर्नर से जाती हुई हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन के द्वारा उस प्लेन पर लेके चले जाते हैं कुछ इस प्रकार से, और इन प्रोजेक्शन लाइन को इस तरीके से मैच कर देते हैं। तो ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो ये प्रोजेक्शन लाइन होती हैं, प्रक्षेप रेखाएँ होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये हैं प्लेन पर, जिस शीट पर हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर टकराती है, लंबवत टकराती है, इसलिए इस प्रक्षेप का नाम होता है लंबकोणीय प्रक्षेप, 2D। अब अगर हम इसका, इस डायग्राम का, इस ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाऊं, अभी ये कैसे बनाया जाता है और क्या इसका स्टैंडर्ड होता है वो अभी हम सीखेंगे। लेकिन अगर इसका हम बात करें ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन की, तो ये तीन प्रोजेक्शन हमें मिलेंगे। इधर से अगर हम फ्रंट देख रहे हैं तो ये फ्रंट हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर से टॉप देख रहे हैं तो ये टॉप, और ये साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनाया जाता है, क्या स्टैंडर्ड होता है वो हम चीज़ से सीखेंगे, उसी से सवाल आते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है क्या चीज़ें किस तरह काम करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन। फ्रेंड्स, ये ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन बनाने का स्टैंडर्ड है, यानी कैसे 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो अर्थ है इसको इस तरीके से दो प्लेन में डिवाइड किया जाता है, कुछ इस प्रकार। एक वर्टिकल प्लेन होता है ऊर्ध्वाधर, ये इस तरह का प्लेन है कुछ इस तरह, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज प्लेन होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लेन कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ये एक जो खड़ा हुआ प्लेन है इसको वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर प्लेन कहते हैं, और ये जो ये प्लेन है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस पूरी पृथ्वी को इस प्रकार से दो प्लेन से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यही प्लेन है यहाँ पर हमने दिखाए हुए हैं। अब ये जो लाइन है ये तिरछी क्यों बनाई हमने, फ्रेंड्स यहाँ एक्चुअल में देखेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट है, सीधी है, लेकिन जब हम इसको सामने से देखेंगे तो ये लाइन हमें दिखाई नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने 2D पेपर पर बनाने के लिए एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तीन एक्सिस जैसे हम ड्रॉ करते हैं, XX, YX एंड ZX, तो ये ZX ऐसे तिरछी नहीं होती, ZX कहाँ होती है, इस तरीके से परपेंडिकुलर होती है दोनों एक्सिस के। लेकिन ये ऐसे हम दिखाएं कैसे, सिर्फ एक पॉइंट से दिखेगी ये अगर हम यहाँ पर दिखाना चाहें तो, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एंगल पर झुका देते हैं। जो तीसरी डायमेंशन होती है 3D फिगर में, उसको हम इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, सो ये जो प्लेन है, खड़ा हुआ जो प्लेन है, इसको कहते हैं वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर प्लेन, और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल, और इसको बोलते हैं अक्षैतिज तल। ठीक है, जो ये प्लेन्स है इन दोनों का जो नाम होता है उसको कहते हैं संदर्भ प्लेन, संदर्भ तल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेफरेंस प्लेन, क्या कहा जाता है इनको, रेफरेंस प्लेन। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है इस तरीके से चार हिस्सों में डिवाइड हो गई, इसको बोला जाता है, मैथ में इसको हम कहते हैं प्रथम, चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ इसको एंगल के नाम से बोला जाता है।
जितनी भी बातें मैं यहाँ बताऊंगा आपको थोड़ा ध्यान से सुननी है, कैसे ड्राइंग ड्रॉ करेंगे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो जितनी भी बातें मैं बोलूंगा आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो अभी यहाँ पर हम सिखाएंगे। सेकेंड, इसको बोला जाता है सेकेंड एंगल, इसको थर्ड एंगल और इसको फोर्थ एंगल, ठीक है। तो इनको एंगल कहा गया है, क्वाड्रेंट को हमने एंगल कहा है यहाँ पर, जो चतुर्थांश है उनको फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल इस प्रकार से बोला गया है। अब जब हम किसी ड्राइंग, किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए ये हमारे लिए जो उस ड्राइंग के उस प्रोजेक्शन के लिए ये हमारे लिए ड्राइंग शीट यानी ड्राइंग पेपर का काम करते हैं। तो ड्राइंग पेपर तो मिल गया है हमें, ड्राइंग पेपर ये है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब उस ऑब्जेक्ट की स्थिति की बात करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इन चारों क्वाड्रेंट में से कहां कहां पर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली स्थिति है यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट है वो यहां हो सकता है, ठीक है। सेकंड यहां हो सकता है, थर्ड यहां भी हो सकता है और फोर्थ यहां भी हो सकता है, ठीक है, चार स्थितियां। फिर इस प्लेन पर भी हो सकता है, इस प्लेन पर भी हो सकता है, इस प्लेन पर भी हो सकता है और एक इस प्लेन पर भी हो सकता है, आठ स्थितियां। और एक स्थिति और हो सकती है, ये जो ये लाइन है इसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन बोला जाता है इसको, संदर्भ रेखा। ये सारी चीजें आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट पर आप इसको रख लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नौ स्थितियां हो सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की, देखने की, पहली दूसरी तीसरी चौथी और चारों प्लेन पर, और एक हो सकती है रेफरेंस लाइन पर यानी संदर्भ रेखा कर, जिसको हम एक्स वाई लाइन कहते हैं। ये लाइन है कहाँ एक्चुअली, तो एक्चुअली में ये लाइन जो है वो ये है यहाँ पर, जहाँ पर ये दोनों प्लेन मैच करते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन जहाँ पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाली लाइन ही रेफरेंस लाइन है, संदर्भ रेखा है। तो एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ इस प्लेन पर हो सकता है, इस प्लेन पर हो सकता है, इस प्लेन पर हो सकता है और इस प्लेन पर हो सकता है, और एक हो सकता है इस बीच की इंटरसेक्शन लाइन पर। तो नौ स्थितियाँ कुल हो सकती हैं, इन नौ स्थितियों में ही हम ऑब्जेक्ट को देख करके उसका प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो प्रोजेक्शन देखा जाएगा, जो व्यू देखा जाएगा वो कहाँ से देखा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको, हम जब यानी जो तीसरा यहाँ पर तथ्य है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए, जब हम फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो हमेशा इस लाइन के इधर से देखा जाएगा फ्रंट व्यू, ठीक है। कभी भी हमें इसको क्रॉस करके इधर नहीं आना है, ठीक है, ना इधर आना है, यहाँ कहीं नहीं आना है, हमेशा फ्रंट व्यू इस लाइन के इधर से देखा जाएगा और टॉप व्यू हमेशा इसके ऊपर से देखा जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साइड फ्रंट व्यू हमेशा इधर से देखा जाएगा और टॉप व्यू इस लाइन से नीचे देखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट या प्लेन पर होगी तो ठीक है, तब तो ओके है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो हमें इधर से कैसे दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो प्लेन्स है, जो रेफरेंस प्लेन्स है, संदर्भ तल है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी पारदर्शी होते हैं, ठीक है, ये कांच के बने हुए मान सकते हो आप इनको, ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी इनके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। अब स्थितियों की बात आती है, स्थितियों के ऊपर क्वेश्चन आता है, पहले क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट की स्थिति होती है, ये क्वेश्चन होगा और नीचे चार ऑप्शन होंगे। तो स्थितियां देख लेते हैं, जो पहला एंगल है, फर्स्ट एंगल है, इसमें ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसको कैसे बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, या ये कहें वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने तथा अक्षैतिज प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट होता है पहले चतुर्थांश में, ठीक है। सेकेंड चतुर्थांश में, क्योंकि हम लोग इधर खड़े हुए हैं तो हम अपने रेस्पेक्ट में ही बोलते हैं, हमारे पहले आएगा वीपी फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो अब हम बोलते हैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हो, सेकंड एंगल में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये बोला जाएगा ऊर्ध्वाधर प्लेन के पीछे तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो सेकंड एंगल में ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति कैसे दी जाती है, तो कैसे दी जाएगी, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। तीसरे में कैसे दी जाएगी, वर्टिकल प्लेन के पीछे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से
नीचे। यहाँ पर कैसे दी जाएगी, चौथे अगर चौथे क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ एंगल में हो, यहाँ पर दी जाएगी कुछ इस प्रकार से, जो ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने। तो इस तरीके से ये कंडीशन दी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। हम ये जो यहाँ पर सामने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, पहले ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम वर्टिकल प्लेन के सामने बोल रहे हैं, और इस स्थिति में वर्टिकल प्लेन के पीछे है, हमारे लिए वर्टिकल प्लेन के पीछे ऑब्जेक्ट, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं वर्टिकल प्लेन के पीछे। ठीक है, क्वाड्रेंट की। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, वो क्या, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं तो ये प्लेन यही रहते हैं, लेकिन जब हम ड्राइंग शीट पर ड्राइंग ड्रॉ करते हैं यानी उस प्लेन का प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। किस डायरेक्शन में घूम जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में ये घूम जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसे ये हमारे पास प्लेन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पर अगर पहले चतुर्थांश की बात करें, पहले एंगल की बात करें, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जब हम इसको इधर से देखेंगे तो तब तो ये प्लेन्स यही रहेंगे, लेकिन जब हम देखने के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ मिल जाएगा फ्रंट व्यू और यहाँ मिल जाएगा प्लान। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो जब हम बनाने जाएंगे ड्रॉइंग शीट पर, तो ये जो प्लेन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। एक्स वाई लाइन कहाँ है, एक्स वाई लाइन यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन यहाँ पर है। अब देखते हैं जरा, कोई ऑब्जेक्ट अगर पहले क्वाड्रेंट में हो तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, उसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, उसका साइड व्यू कहाँ बनेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंगल की। ये फर्स्ट एंगल है हमारे पास, ये वीपी है और ये एचपी है। इससे सवाल ऐसे भी बनता है, फर्स्ट एंगल में एचपी और वीपी की स्थिति बताइए। एक्स वाई लाइन के ऊपर एचपी होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे वीपी होता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर वीपी होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे एचपी होता है, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये एक्स एक्स रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, पहला जो एंगल है वो कौन सा हो गया, ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, यहां ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा फ्रंट व्यू हमेशा इस लाइन से इधर से देखा जाएगा, तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको ये फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से ये फ्रंट व्यू आपको कहां पर बनेगा, क्योंकि ड्राइंग शीट कहां है हमारे पास, ये है ड्राइंग शीट, इसका जो प्रक्षेप बनेगा वो कहां बनेगा, इस पर बनना चाहिए, और हमें दिखाई क्या देगा, ये सामने ये एक आयत दिखाई देगा जब हम इधर से देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फ्रंट व्यू हमें कहां मिला, वीपी में। ऐसे ही जब हम टॉप देखेंगे यानी प्लान देखेंगे, तो जो प्लान होगा वो इस प्लेन पर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलेगा, ये रहेगा प्लान। ठीक है, अभी जब मैंने कहा कि जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को तो यहीं पर रहती है ये जो प्लेन्स है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये पहला हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये जो ये एचपी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर है वीपी हमारे पास, और इसी में क्या है, फ्रंट व्यू है, ये एक्स वाई लाइन है, और नीचे क्या चला गया, नीचे चला गया है एचपी, यानी अगर आप इसको 2D में चेंज कर लें, ये हो जाएगी एक्स वाई लाइन हमारे पास, ऊपर क्या है, ऊपर रहेगा वीपी और नीचे रहेगा एचपी। ऊपर क्या मिला है, ऊपर मिला है फ्रंट व्यू और नीचे प्लान। ठीक है, यानी टॉप व्यू, और हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में ही साइड व्यू बनाते हैं, इसके जो दोनों साइड व्यू होंगे वो फ्रंट व्यू के साइड में, कभी भी प्लान के साइड में नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जो राइट साइड व्यू है वो बनेगा लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड व्यू बनेगा राइट में। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड व्यू और यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड व्यू। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अभी इसका समझ में आ जाएगा आपको ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, हम इसको यहां से देख रहे हैं। ठीक है,
अब ये जो व्यू होगा, ये व्यू हमारे लिए होगा राइट साइड व्यू। ये राइट साइड व्यू ड्राइंग में कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा लेफ्ट में। और जो राइट व्यू है, ये जो लेफ्ट साइड व्यू है ड्राइंग में, ये फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के राइट में लेफ्ट साइड व्यू बनता है, जबकि लेफ्ट में राइट साइड व्यू बनता है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन के ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन के नीचे रहता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, जबकि प्लान एक्स वाई लाइन के नीचे बनता है। और जो राइट साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा, और लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट में बनेगा। ये चार क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं। सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। पॉइंट का प्रोजेक्शन आप कर सकते हो सेकंड और फोर्थ में, बाकी आप और किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इधर से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फिर से मान लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जो प्लेन्स है, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, ऊर्ध्वाधर प्लेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, मैंने बताया था आप हमेशा फ्रंट व्यू इधर से ही देखेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था ये जो प्लेन है दोनों कैसे हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यानी पारदर्शी है। तो इसका प्रोजेक्शन जो ड्रॉइंग शीट है हमारे पास, ये प्लेन्स है तो इसी पर बनाएंगे प्रोजेक्शन। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ये बनेगा हमारे पास फ्रंट व्यू, और जब हम टॉप से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन जाएगा ऊपर और ये बनेगा हमारे पास प्लान। ठीक है, तो इस बार प्लान कहाँ है, इस बार प्लान है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू कहाँ है, वो है वर्टिकल प्लेन में। फिर जब आप ड्राइंग बनाओगे, यानी ये एक्स वाई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, ये जो एच पी है फिर क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जब हम ड्राइंग शीट पर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एच पी फिर ऐसे घूमेगा। तो इस बार ऊपर कौन है, एच पी है, और नीचे कौन है, वी पी है। तो ये जस्ट उल्टा है फर्स्ट एंगल का। तो ऊपर कौन है, एच पी, और नीचे वी पी, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर है एक्स वाई लाइन के और वर्टिकल प्लेन एक्स वाई लाइन के नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा व्यू था, ये प्लान था हमारे पास, और ये एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू। तो ये जस्ट उल्टा हो गया फर्स्ट एंगल का। कैसे, जो एच पी है एक्स वाई लाइन के ऊपर, जबकि पिछले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था, एच पी एक्स वाई लाइन के नीचे था, वी पी एक्स वाई लाइन के नीचे, प्लान पहुंच जाएगा एक्स वाई लाइन के ऊपर और फ्रंट व्यू पहुंच जाएगा एक्स वाई लाइन के नीचे। और इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, जो राइट साइड व्यू है वो राइट में ही बनेगा और जो लेफ्ट साइड व्यू है वो फ्रंट के लेफ्ट में ही बनेगा। ठीक है, इनको क्लियर करने के लिए हम एक ड्राइंग का, एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, कौन सा एंगल, कौन से एंगल में कौन सा प्लेन कहाँ होता है, और जो प्लान फ्रंट व्यू और साइड व्यू होते हैं वो कहाँ कहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, अब जो इससे क्वेश्चन आता है वो आता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या होगा और थर्ड एंगल का सिंबल क्या होगा। उससे पहले एक ड्राइंग हम बना लेते हैं ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो जाए। जो सेकंड एंगल है, फोर्थ एंगल है, उसमें ड्राइंग नहीं बनती है। वो क्यों नहीं बनती है, चलिए अभी समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कोई जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है सेकंड एंगल में। ठीक है, यहाँ है सेकंड एंगल में हमारे, ये प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा, क्योंकि हम उधर से देखेंगे हमेशा, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और प्लान यहाँ बनेगा। तो जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, इसलिए इस एंगल में ड्राइंग शीट ड्राइंग नहीं बनाई जाती। ऐसे ही फोर्थ एंगल में भी होता है, फोर्थ एंगल में भी, जैसे यहाँ पर फोर्थ एंगल है हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, मान लेते हैं ये मार्कर है, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा प्लेन, तो तब भी जो उसका प्लान और एलिवेशन होगा वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए जो फोर्थ एंगल और सेकंड एंगल है उसमें ड्राइंग नहीं बनाई जाती। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट की, ताकि आपको अच्छे से
फ्रेंड्स एग्जाम में हमारे पास डायग्राम भी बना हुआ आ सकता है, डायग्राम बना रहेगा 3D में, और यहाँ उसका ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन बना रहेगा, आपको उस पहचानना होगा सही कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंसिडर किया है। अब देखो ये तिरछा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, ये तिरछा मैंने अभी बताया, ये जो तीसरी लाइन है हम इसको तिरछा यानी टेपर बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो 3D फिगर है उसको अगर तीसरी डायमेंशन हम तिरछी नहीं बनाएंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगी तीसरी डायमेंशन, इसलिए हम उसको बनाते हैं अपना पर्पज़ पूरा करने के लिए, उसको तिरछी बना देते हैं। एक्चुअली में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है इसका, इधर से फ्रंट व्यू देखेंगे हम इसका, ठीक है, ये टॉप रहेगा ऊपर से और ये इसका साइड व्यू रहेगा इधर से, ठीक है। इसको थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल दोनों में बनाना है, तो ये इस प्रकार से आपको देखना है। तो जब आप इसको सामने से देखोगे, तो सामने से जब आप देखोगे तो फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। ये जो बीच की दूरी है ये वाली दूरी हमें दिखाई नहीं देती है जब हम इसको सामने से, हम बहुत दूर से अनंत से देखते हैं, तो ये रेक्टेंगल इसके जस्ट बराबर में दिखेगा, ये रेक्टेंगल इसके जस्ट बराबर में दिखेगा और ये रेक्टेंगल इसके जस्ट बराबर में, यानी आपको एक पूरा रेक्टेंगल दिखाई देगा, ठीक है। जो रेक्टेंगल्स है हमारे पास बन मिल करके, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों रेक्टेंगल मिल करके एक बड़ा सा आयत हमें दिखाई देंगे, तो ये हमें इधर से फ्रंट व्यू दिखाई देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसमें, तो ये और ये तीनों रेक्टेंगल मिल करके एक हमें बड़ा रेक्टेंगल दिखाएंगे, ठीक है, जब हम इसको सामने से देखेंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्लॉकवाइज घुमा दें, ऊपर रहेगा VP और नीचे जाएगा कौन, HP, ऊपर बनाएंगे फ्रंट व्यू और नीचे बनेगा क्या, प्लान, ठीक है। तो फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, तो फ्रंट व्यू जब हम इसका देखेंगे, मैंने कहा ये रेक्टेंगल और ये तीनों मिलकर के एक बड़ा रेक्टेंगल बना देंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वाली लाइन दिखाई देगी हमको, ये वाली लाइन दिखाई देगी और ये ऊपर वाली लाइन, तो ये है ये, ठीक है। तो इसका फ्रंट व्यू हो गया। प्लान अगर हम देखते हैं प्लान, तो देखिए फ्रेंड्स अभी आप ये तिरछा बना हुआ है, आप इसको इमेजिन करें, या तो आप इधर पहुंच जाए या इसको उठा करके सीधा कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी ऐसे रखा हुआ है तो आपको टॉप देखना है, आप इधर खड़े हो या फिर इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा लो, ठीक है। तो जब आप ऐसे घुमाओगे तो ये फ्रंट व्यू बन गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, इसमें चार हैं, इसमें तीन ही हैं ओनली, ठीक है। और प्लान जब देखोगे आप, प्लान बनाने के लिए इसको आप ऐसे घुमा लो तो आपको दिखाई देगा एक, दो और तीन, ये तीन रेक्टेंगल, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था, ठीक है, या तो हम इसको ऐसे देखें या फिर हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं और टॉप व्यू देखने के लिए इसको ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इसी के ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी इसको नीचे देख रख करके हम टॉप व्यू बना देंगे। तो एक, दो, तीन, यहाँ पर तीन ही है, एक, दो, तीन, अगर चार होते तो ये चौथा भी रेक्टेंगल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप टॉप व्यू देखोगे तो ये वाली लाइन बनेगी पहले, फिर ये लाइन, ये बीच वाली लाइन ऊपर से हमें नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये बीच वाली डिस्टेंस नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर ये मार्कर आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक की, ये जो बीच वाली डिस्टेंस है बोर्ड से मार तक की, ये नहीं दिखाई देती। आपको लग रहा होगा ये मार्कर क्या है, बोर्ड पर ही चिपका हुआ है, तो इसलिए बीच वाली डिस्टेंस नहीं दिखाई देती। तो हमें डायरेक्ट क्या दिखेगा, ये रेक्टेंगल प्लस ये रेक्टेंगल, ये तीन रेक्टेंगल। तो जैसा एलिवेशन है हमारे पास एज इट इज, ऐसा ही प्लान आ गया कुछ इस तरीके से। अब हम साइड व्यू बनाते हैं। अब मैंने बताया फर्स्ट एंगल, ये प्लान है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट साइड व्यू राइट में बनेगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू है हमारे लिए, राइट साइड व्यू कौन सा है, ये, क्योंकि ये हमारे राइट में पड़ता है, तो राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा, वो बनेगा यहाँ लेफ्ट में, ठीक है। और वो कैसा बनेगा, आपको दिख रहा होगा इस तरीके का, ये जो ये शेप है सीढ़ी नुमा शेप आपको दिख रही होगी साइड व्यू से, तो ये सीढ़ी नुमा शेप ही हमें बनानी है यहाँ से प्रोजेक्शन ले जा करके कुछ इस तरीके से। ये फ्रेंड्स कैसे इनको बनाया जाता है ये हम नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि जो रेलवे LPA है उसमें ओनली थ्योरेटिकल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको बनवाएगा नहीं हुआ एग्जाम में, वरना इसका तरीका होता है ड्राइंग बनाने का, ठीक है, कैसे फ्रंट व्यू बनाते हैं, कैसे प्लान बनाते हैं। यहाँ सिर्फ आपको बताना है
इसका एलिवेशन प्लान साइड व्यू वो क्या होगा, फर्स्ट एंगल में क्या होगा और थर्ड एंगल में क्या होगा, यही सिर्फ पहचान करके बनाना है। तो आप इसके इसमें सिर्फ आप ये देखें कि कौन सा व्यू कैसे दिखाई देता है और कैसे फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में बनाते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका नहीं आएगा एग्जाम में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू इधर है वो हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम इधर खड़े हुए हैं तो हमें इधर से ही दिखाई दे रहा है, हमें लेफ्ट साइड व्यू इधर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमें बनाना है तो हम बना देते हैं। लेफ्ट में आप इमेजिन करो क्या लेफ्ट में कुछ इस प्रकार का व्यू ही हमें दिखाई देगा, ठीक है, लेफ्ट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने राइट साइड देखा तो ये बना दिया इधर, ठीक है। लेफ्ट में कैसे बनेगा, ये रहा लेफ्ट में, तो लेफ्ट का जो व्यू है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेफ्ट व्यू ये रहा हमारे पास, ओके। चलिए तो ये तो फर्स्ट एंगल में हो गया, थर्ड एंगल में कैसे बनाएंगे आप खुद ट्राई करो थर्ड एंगल का बनाने के लिए। थर्ड एंगल में आपको ध्यान रखना है, थर्ड एंगल में HP और VP कहाँ रहेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास अभी मैंने यहाँ पर बनाया है, थर्ड एंगल का है वो ये यहाँ पर है। जब ये HP क्लॉकवाइज घूमेगा तो HP जाएगा ऊपर और VP जाएगा नीचे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इसमें बीच में, तो आपने ऊपर से देखा था यहाँ पर दिखेगा टॉप और इसमें दिखेगा क्या, दिखेगा इसमें फ्रंट व्यू, ठीक है। कैसे देखो, यहां ऑब्जेक्ट है, जब आप ऊपर से देखोगे तो यहां दिखेगा इसका टॉप, और जब आप इधर से देखेंगे, मैंने भी बताया था कि आपको हमेशा फ्रंट व्यू इधर से ही देखना है, यहां दिखेगा फ्रंट व्यू, ठीक है। तो ये जो HP है वो क्लॉकवाइज रोटेट होकर ऊपर जाएगा, ये XY लाइन है, ठीक है। तो HP रहेगा इसमें ऊपर और VP रहेगा नीचे, ठीक है। अब जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ है, फ्रंट व्यू है नीचे, तो फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, अभी यहाँ पर जो सर्कल मैंने बना रखे हैं वो वाला पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। फिर टॉप कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप पहुँच जाएगा ऊपर, यानी प्लान जो रहेगा वो XY लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब साइड व्यू, मैंने बताया साइड व्यू हमेशा इसमें राइट वाला राइट में ही बनता है और लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही। जैसे ये राइट साइड व्यू है तो ये कैसे बनेगा, राइट साइड व्यू ये आपको ऐसे दिखाई देगा तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब कंपैरिजन करें पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है, और इधर लेफ्ट साइड व्यू रहेगा, लेफ्ट साइड व्यू कैसे बनाएंगे, ये लेफ्ट साइड व्यू कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड व्यू आप कैसे बनाओगे, इसमें जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा है तो राइट वाला तो राइट में ही बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू को बनाने के लिए हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये घुमा दिया हमने, ये बन गया यहाँ पर लेफ्ट साइड व्यू। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में किसी ऑब्जेक्ट की ड्रॉइंग ड्रॉ की जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिंबल की, जो सिंबल है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का सिंबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको रटना नहीं है, इसमें आप ध्यान रखें, सिंबल बनाने के लिए इस प्रकार से एक शंकु चिन्हक बोलते हैं इसको, कॉन फ्रस्टम, इसको एक फॉर्मूले की तरह लिया जाता है कॉन फ्रस्टम को, ठीक है। तो जब हम इसको फ्रंट, इसका जो हम ड्राइंग बनाएंगे अगर हम फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, तो फर्स्ट एंगल में देखो यहाँ पर मैंने फ्रंट व्यू बनाया, तो फ्रंट व्यू हमें कैसा दिखाई देगा, देखो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको, ये कर्व सरफेस है, लेकिन जब हम इसको अनंत से देखेंगे तो ये हमें पीछे ड्राइंग शीट पर, हमारे ड्राइंग पेपर पर एक रेक्टेंगल दिखेगा। ये जो कर्व सरफेस है ये हमें सामने से कर्व नहीं, एक स्ट्रेट दिखाई देती है। तो इसलिए जब हम इस शंकु फ्रस्टम को का एलिवेशन बनाएंगे तो ये रहेगा हमारे पास इसका एलिवेशन, यानी फ्रंट व्यू, ठीक है। अब जब आप इसकी फर्स्ट व्यू में, यानी फर्स्ट एंगल में इसकी ड्राइंग कर रहे हो, तो फर्स्ट एंगल में मैंने बताया जो राइट साइड व्यू है वो लेफ्ट में बनेगा और लेफ्ट साइड व्यू राइट में बनेगा। तो आप इसका अगर लेफ्ट साइड व्यू देख रहे हो, ठीक है, तो वो कहाँ बनेगा, वो इधर बनेगा राइट में। तो पहले आपको छोटा सर्कल दिखाई देगा, पहले आपको ये छोटा सर्कल दिखाई देगा और उसके बाद ये बड़ा सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल का सिंबल। थर्ड एंगल का सिंबल क्या होगा फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान में रखना है, देखो इसी का अगर मैं, ये तो एलिवेशन तो सेम रहेगा फर्स्ट एंगल में भी और थर्ड एंगल में भी, लेकिन थर्ड एंगल में जो लेफ्ट साइड व्यू है वो लेफ्ट में ही बनेगा, ठीक है। यानी ये लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में ही बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो अगर ये वाला पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल, और अगर ये कंसिडर कर रहे हैं इधर वाला तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंगल का। अब इसमें आपको डिफरेंस पता नहीं लग रहा होगा एक्चुअली डिफरेंस क्या है, देखो क्या होगा डिफरेंस आप कैसे बता सकते हो, देखो
अगर ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता, ठीक है, अगर ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता तो ये क्या है, ये राइट में बना हुआ है इसलिए राइट साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो आप इसका राइट साइड व्यू देखो तो ये सॉलिड कौन है, तो आपको बड़ा सर्कल तो दिखाई देता है, इधर से बड़ा सर्कल तो दिखाई देता, लेकिन ये सॉलिड है जिसकी वजह से आपको ये छोटा सर्कल दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ है छोटा सर्कल, ये डॉटेड होना चाहिए था, तो ये पहचान में रखना है। अगर ये ऐसे बना हुआ है, फर्म बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वाला व्यू है, लेफ्ट वाला व्यू है, बना राइट में है, तो ये किस में होता है, ये फर्स्ट एंगल में होता है, ठीक है। जबकि अगर थर्ड एंगल में होता तो ये डॉटेड होता। तो यही है पहचान करने का तरीका। तो आपको याद नहीं रखने हैं सिंबल, आपको सिर्फ ये शंकु फ्रस्टम बनाना है और इसका एक व्यू बना देना है, फर्स्ट एंगल में भी और थर्ड एंगल में भी। तो आपको पहचान में आ जाएगा फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या होता है और थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।